निवण प्रणाम कर। ओ कौन सो गांव है अटे मुकाम आज जी थोड़ा सा कुर्सी पर इन में तो जुमेश्वर भगवान के बारे में बताओ कि आप आज को समय जो को बच्चा लोग है ना बे ना मतलब जानकारी बन टाइम को नहीं क्यों पढ़ाई के आगे बने मतलब शास्त्र पढ़ने हूँ पहली यूट्यूब पर बता देना तो बस। और कहाँ पे इनका मतलब समाधि स्थल है और कैसे कौन सी सन में ये जुमेश्वर भगवान की स्थापना हुई और इसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। इस समय यहाँ पर हम बैठे हुए हैं समरथल समरथल दौरे में बैठे हैं समरथल दौरे पर बैठे हुए हैं। हाँ आपकी हमारी वार्तालाप हो रही है यहाँ पर और यहाँ ये समरथल जो है गुरु जम्बो जी ने 51 साल तक यहाँ पर बैठ के तपस्या करी 51 साल तक और शब्द वाणी कही। कौन से शब्द बोले थे जो आज जो है इस समय हमारे पास 120 शब्द विद्यमान है। हाँ। और वो शब्द समय समय पर हाँ। जो लोग जैसे आते रहे हाँ। उनको उसी हिसाब से वो शब्द सुनाते रहे। हाँ। तो इस समय क्या पता कितने शब्द कहे होंगे लुप्त हो गए लेकिन 120 शब्द इस समय भी है हमारे पास जिसका हम पाठ करते हैं। कौन से पाठ करते हैं आप जो और हवन करते हैं? हवन करते हैं हमारा मुख्य हवन है ज्योति ज्योति और ज्योति में ही उस परमात्मा का दर्शन देखते हैं। हाँ। तो उसमें शब्द शुरू होता जैसे गुरुचीनो गुरुचीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बखाणी जो गुरु हो बास है जे सी ले सब दे ना दे वे दे ते गुरु का आलिंकार पिछाणी ये इस प्रकार से 120 शब्द है। और विष्णुई समाज का 29 धर्म जो बताओ आप यहीं पर बैठ करके विक्रम संवत 1542 में इस एरिया में अकाल पड़ गया था। अच्छा और लोग जो है यहाँ से उठ करके मध्य प्रदेश की ओर जिसको मालवा कहते हैं हाँ उधर जाने लगे थे। हाँ कमाई वास्ते पिसा को नहीं पिसा की किल्लत थी हाँ। उधर मालवा में वर्षा होती थी जनरल थे हाँ। अच्छी खुशहाली थी हाँ। और यहाँ पे अकाल पड़ गया अकाल पड़ जाते थे मुश्किल होता था खाना भी हाँ। तो जम्बो जी ने उनको रोका हाँ। कि आप मत जाओ यानी विदेश प्रदेश मत जाओ यही रुको यहाँ पे रुको ये उत्तम देश है इसको छोड़ के मत जाओ। तो लोगों ने कहा कि अकाल पड़ गया खाने को नहीं है हाँ। पशु के लिए घास नहीं है हाँ, पशु के चारा के चारा भी नहीं है कैसे रह सकते हैं यहाँ हाँ। तो जम्बो जी ने कहा कि मेरे पास एक साहूकार है हाँ। साहूकार वो परमात्मा हाँ परमात्मा साहूकार है मैं जुड़ा हुआ हूँ हाँ। वो देता है वो सब देता है सब देता है हाँ। तो आप यही रुको और यहाँ से ले जाया करो हाँ। तो ये उनकी शर्त हुई हाँ। तो 1542 कार्तिक बदी अष्टमी के दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ और ये विष्णुई पंथ की स्थापना हुई। विष्णुई पंथ की स्थापना 1542 में विष्णुई कार्तिक बदी अष्टमी को कार्तिक बदी अष्टमी को विष्णुई पंथ की स्थापना हुई। स्थापना दिवस मनाते हैं कार्तिक अभी मनाते हैं और ये फाल्गुन में क्या मनाते हैं अभी जो फाल्गुन में ये मेला लगता है हाँ। यहाँ पर मुकाम है नीचे नीचे मुकाम हाँ, मंदिर है वहाँ पे गुरु जम्बो जी की समाधि है समाधि स्थल है समाधि स्थल हाँ। ये है तपस्या स्थली ये जो अभी आप समरथल दौरे पे देख रहे हैं वो तपस्या स्थली है हाँ। और वो है समाधि वहाँ क्यों है समाधि क्यों लगाई गई हाँ। कि आदि अनादि से शिव जी का धुना था हाँ, पुराने टाइम का धुना था शिव जी का धुना धुना समझते हैं ना हाँ धुना समझते हैं धुना जो हवन की तरह करते हैं हाँ, वहाँ पे कुंड होता है वैसे यहाँ पर 24 घंटा अग्नि प्रज्वलित रहती है हाँ अग्नि प्रज्वलित रहती है तो वो था हाँ। और बहुत पवित्र जगह थी वो तो जम्बो जी ने कहा था कि मेरी समाधि वहीं लगा देना तुम हाँ। तो जब समाधि के लिए खोदा गया तो वहाँ पर एक त्रिशूल निकला अच्छा शंकर भगवान का त्रिशूल और धुने की राख मिली थी हाँ। और वहीं पर वो समाधि दी गई ऊपर वो मंदिर का निर्माण
कराया गया। हाँ। तो वो त्रिशूल मंदिर के ऊपर लगा हुआ था। अच्छा, अब क्योंकि इसका विस्तार हो गया है तो वो बीच में आ गया है। अच्छा, पुराना मंदिर, पुराना मंदिर बीच में सेंटर में हो गया, बीच में कोई बात दिखाई कुछ नहीं देता। हाँ। उसमें त्रिशूल लगा हुआ है, अभी लगा हुआ है। तो शिवरात्रि को ये मेला लगता है। जो शंकर भगवान है, 3 दिन होती है ना, 13 से 14 तीन दिन का मेला है। 13 से शुरू हो जाता, 13 के दिन शिवरात्रि मानते हैं ये, सब मनाते हैं। 13 को और 14 को और अमावस को ये मेला वहीं से शुरू है, पहले से चलता है। आदि अनादि से बहुत उसी का रूप है यार वर्तमान का। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। और संत जन्म जो है यहाँ से 11 किलोमीटर है पिंपासर, तो दक्षिण में पिंपासर में जुमेश्वर भगवान का जन्म स्थल है। और उनके माता पिता का नाम बताइए। पिता का नाम था लोहट जी, लोहट जी, और माता का नाम था हंसा, हंसा। और वहाँ पर उनके जीवन काल में 3-4 बातें हैं। पहला तो वर्ष 7 संसार बाल लीला, बाल लीला 7 प्रसंग तो वहाँ पिंपासर में ही बाल लीला की। अच्छा। और वर्ष 5 22 22 27 वर्ष तक गौवें चराई, 27 साल तक गाय चराई। यहाँ तक गौ चराने आते थे पिंपासर से। हाँ। ये सारा जंगल था, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर दूर कर यहाँ आते थे गाय चराने, गाय चराने आते थे। ग्वाल बाल बहुत साथ में थे, पूरे गांव के लोग होते थे साथ। हाँ। यहाँ बच्चे लोग दिन भर खेलते थे और शाम को अपने गौ आदि धन लेकर के लौट जाते थे। ये उनका 27 प्रतिशत चलता रहा। और 51 साल मैंने अभी कहा कि यहाँ पर तपस्या करके विष्णु पंथ की स्थापना की। 1500 कितने में? 1542 में विष्णु पंथ का स्थापना की, स्थापना की। हाँ। और ये शब्द कहे 120 शब्द है जो आपने बताया, और 29 नियम बताए। 29 नियम, नियम कौन कौन सा है? नियम शुरू होता है प्रातः काल स्नान से। अच्छा, स्नान, स्नान करो सुबह उठते ही, और स्नान करने के बाद में संध्या करो, उसके बाद में हवन करो, और शील संतोष और नशों से, यानी कोई नशा नहीं करना, तंबाकू भांग मद्य मांस से दूर ही त्यागी, इनको दूर ही त्यागी। अच्छा, ये सब नशे में आते हैं, नशेड़ी चीज से दूर रहे। और चोरी निंदा झूठ, ये सामान्य नियम है जनमानस के लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अलग हो। चोरी निंजर झूठ बरजियो, वादन करनो कोई कोई। आज के जमाने में वाद विवाद करके लोग लड़ाई झगड़े करते हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, दूर रहे, विवाद मत करो, विवाद मत करो। एक ने कही दूसरे ने मानी तो ज्ञानी, ज्ञानी। तो ये स्त्री के लिए 30 दिन का सूतक बताया। अच्छा, बच्चा जन्म लेता है। हाँ। तो 30 दिन तक घर से अलग रहे। हाँ। और बढ़िया हलवा आदि खुराक घी जी में 5-7 किलो, तो बच्चे को पूरा दूध मिलता, विश्राम मिलता माँ को, और बच्चे को मिलता माँ का दूध पीने को। इसलिए लोग कहते तेने कौन से माँ का दूध पिया गया अजा गए। तो माँ के दूध में बड़ी उत्तम चीज होती है। और 5 दिन का बताया है कि रजस्वला स्त्री का धर्म होता है, 5 दिन का मासिक धर्म का। उन्हें घर के कार्य से अलग रहो, पानी छान के ले, और झूठ मत बोलो, बाणी पानी बाणी और ईदनी, ईदनी ईदनी लीजिए छान, ईदना मतलब तीनों, तीनों ईदना पानी और बाणी ईदनी। हाँ, इनमें लकड़ी, लकड़ी। हाँ, तो लकड़ी को भी साफ करके, साफ करके कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े ना हो, वो जीव ना जड़े। जीव रक्षा कोष के लिए, ये जीव रक्षा के लिए, जीव रक्षा के, हर जीव को जीने का अधिकार है। जीव दया पालनी, जीव दया और पालनी। जीव पर दया करो, उनका पालन पोषण करो। सबको अन्न दो, पानी दो, घास दो, सबकी रक्षा करो। और हरे वृक्ष नहीं काटना, वृक्ष नहीं काटना, किसी जीव को नहीं मारना, हिरण आदि जो यहाँ नीलगाय है, वन्य जीव जो भी है इनको नहीं मारना। पर घरेलू है, गाय है, भैंस है, और है, पशु है, तो सबको खिलाओ पिलाओ, उनकी रक्षा करो, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, और ये जीव प्राणी अपनी प्रकृति की रक्षा करता है, ये प्रकृति की रक्षा, ये प्रकृति के जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो ये है जामोजी महाराज का मूल मंत्र, जो जीव रक्षा रक्षा करना, रक्षा करना।
जीवों की रक्षा और हरे वृक्ष नहीं काटना, हरे वृक्ष नहीं काटना, क्यों? हरे वृक्ष रहेगा तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और ये हवन क्यों करते हैं? हवन भी पर्यावरण की शुद्धि के लिए। अच्छा, जो घी और खोपरे से जलाते हैं उसको पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण का मतलब होता है देवता, हाँ, आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, सूर्य, चंद्र, अग्नि, यही देवता है। अच्छा, देवता इसलिए है जो देते हैं। देवता को मतलब होता है देने वाला, तो देने वाले को देवता कहते हैं। अच्छा, तो ये देवता को हम देते हैं तो वो हमें वापिस लौटा के देंगे। हाँ, तो शुद्ध वर्षा दे गए और अच्छी मतलब जो वायुमंडल से खराब किरणें विकिरणें बोलते हैं, जो घातक बोलते हैं, क्या प्रदूषित विकिरणें जो हमारे बीमारियों से बचाती है, हाँ। आप तो यहाँ इसी देश के रहने वाले पता है कि पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे, आजकल तो बहुत सारी बीमारियां फंसे पड़े हैं, सारा अनर्थ हो गया है, क्योंकि पहले प्रकृति के बहुत समीप थे, अभी प्रकृति से लोग जो छुपने लग गए। हाँ, प्रकृति में क्यों पैदल चलते थे और अनाज शुद्ध खाते थे, परिश्रम करते थे। आज मेहनत करना तो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं करता, सब छोड़ गए, तो बीमारियों ने घर कर गई। हाँ, ये बात है। इसलिए हम कहते हैं कि जांबू जी के बताए हुए नियम अभी भी अनुकूल है, हाँ, और पालन करने योग्य है। पालन जो भी मानव मात्र के लिए कोई विष्णु की कोई बात नहीं है। हाँ, मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए जो बात, हाँ, सबका कल्याण हो, ये नहीं है कि विष्णु समाज के लिए जरूरी नहीं है। जो अपने दिल में उतारना चाहते हैं, कोई भी सुनो, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, तो ये बात बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए संत महात्मा। जो श्री आपका नाम शुभ आचार्य कृष्णानंद जी, ये बात रहता हूँ ऋषिकेश, ये आप बहुत दूर रहते हैं ऋषिकेश, गंगा किनारे यहाँ से दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन के लिए मेले पे आए हैं, हर साल आते हैं आप? हर साल आता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात बताई आप गुरु महाराज। आप कभी आओ ऋषिकेश, तो अपने विष्णु धर्मशाला है, हाँ, वही रहता हूँ। अच्छा, तो सब व्यवस्था अपने रहने की करने की सब, घूमो फिरो, देखो ऋषिकेश योग नगरी है, हाँ, और वहीं से चारों धाम की यात्रा चलती है। ऋषिकेश अट देखो कति दूर चल रहा है वो, परमात्मा की कृपा और समरतल दौरे की जो पावन भूमि पर आया हो तो बड़ी खुशी की बात है, कृपा हुई है। या तो गंगा किनारे ऋषिकेश पसंद है, वहाँ तो रहते 50 साल से, हाँ, और या ये जगह पसंद है, हाँ, तो जोड़ा बैठ के भजन ध्यान करते हैं, मन बड़ा लगता है। आपको प्रॉपर गांव कुछ है? प्रॉपर गांव तो यहाँ जांगुल के पास है, जेडी मगरा। अच्छा, जेडी मगरा, हाँ, वहाँ से आप संत वेश में कितने साल से हैं? 50 साल हो गए। 50 साल से। आपका शुभ नाम वापस बताओ थोड़ा। कृष्णानंद जी जो रहते हैं गंगा किनारे ऋषिकेश में, वहाँ से चलकर यहाँ पे आए, तो धन्यवाद है, आपने अति बात बढ़िया बताई, जो भी सुने श्रोता तो दिल में उतारे और ये नियम बताइए उनको भी फॉलो करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, और तो इनकी और जुम्मेश्वर भगवान की कृपा हुई है।